हाउ टू क्रिएट जेस कैश अकाउंट। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में बात करते हैं कि आप जेस कैश अकाउंट कैसे बना सकते हैं। सो गाइज अगर आप जेस कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं और आप जेस कैश एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलो गाइज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है, और अगर आप iOS यूज़र है, मतलब अगर आप आईफोन यूज़र है, तो आपने ऐप स्टोर ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद गाइज आपने सिंपली सर्च करना है जेस कैश, तो आपके पास जेस कैश एप्लीकेशन आ जाएगी एज यू कैन सी गाइज ऑन योर स्क्रीन। तो आपने सिंपली जेस कैश एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल कर देने के बाद गाइज आपने सिंपली जेस कैश एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन कर लेने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऊपर टैप करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे गाइज आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, एंटर योर मोबाइल फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर गाइज आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देना है। आप जेस का नंबर भी दे सकते हैं, आप जोंग, यूफोन, टेलीनॉर कोई भी नंबर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी सिम से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे गाइज आपने यहाँ पर ये परमिशंस को आपने अलाउ कर देना है, और अलाउ कर देने के बाद गाइज आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये आएगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन का। सो गाइज यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है एंटर योर नेम। तो यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और उसके बाद आपने एंटर योर CNIC, तो आपने यहाँ पर अपना NIC नंबर डालना है, और उसके बाद आपने CNIC डेट ऑफ इशू, तो आपने यहाँ पर अपने NIC का इशू डेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है एंटर योर ईमेल। तो ये ऑप्शन गाइस ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हो, अगर आप नहीं देना चाहते तो आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। सो गाइस यहाँ पर आपने अपना ओरिजिनल नाम डालना है, उसके बाद आपने NIC नंबर डालना है, और लास्ट में फिर आपने NIC का इशू डेट सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है, और चेक कर लेने के बाद आपने नीचे एरो आइकन के ऊपर टैप कर लेना है। तो आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा SMS कोड ऑथेंटिकेशन का। गाइज अब यहाँ पर आप जिस मोबाइल फ़ोन नंबर से अपना अकाउंट बना रहे हो जेस कैश के ऊपर, उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP कोड आएगा जो कि ऑटो फिल होगा यहाँ पर। तो आपने अपनी वो सिम उस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगानी है जिस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे गाइज आपका OTP प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो फिल्ड हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अकाउंट वेरिफिकेशन के अंदर अपनी वालदा का नाम सेलेक्ट करना है, और नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपने प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने नीचे एरो आइकन के ऊपर टैप कर लेना है। टैप कर लेने के बाद गाइज आपके पास ये आखिरी ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट MPIN पासवर्ड। तो यहाँ पर गाइज आपने एक पासवर्ड टाइप करना है, और फिर आपने उस पासवर्ड को कंफर्म कर देना है, और कंफर्म कर देने के बाद गाइज एज यू कैन सी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर गाइज हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। सो गाइज आप भी इस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जेस कैश के ऊपर। और अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद गाइज आपने सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, और फिर उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है, तो आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे। सो गाइज दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट जेस कैश अकाउंट। आप इस तरह जेस कैश अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड गाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जेस कैश एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।